हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनटीए एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 49 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। एनटीए मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो, देन आएंगे केमिस्ट्री पे, उसके बाद हम आएंगे फिजिक्स पे। ठीक है, टाइम स्टाम्प भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टाइम स्टाम्प से भी सीधे केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स पे जंप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेरिस्टेम्स हेल्प इन द इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। ओके, यहाँ पे 1, 2, 3 लेबलिंग है, तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा 3 लेटरल स्टेम। 3 जो है लेटरल स्टेम है, वो गर्थ में, गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज नॉट करेक्ट फॉर बैलेनोग्लोसस। ऐसा हमारा सी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप इज नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। बैलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू द फाइलम हेमिकोडेटा विच कनेक्ट्स नॉन कॉर्डेट्स टू कॉर्डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन दैट शोज द करेक्ट प्लेस फॉर Recently extinct animals। आंसर हमारा बी होगा, 1 का 4 यानी कि डोडो जो होंगे मॉरिशस, क्वागा 2nd का 3rd ऑस्ट्रेलिया, 3rd का होगा 2nd यानी थैलासिन का ऑस्ट्रेलिया, और 3rd का 2nd मतलब कि थैलासिन का ऑस्ट्रेलिया, 4 का 1 मतलब स्लेटर सिकाऊ का रसिया होगा, और यहाँ जो सेकेंड है क्वागा, क्वागा का 3rd यानी अफ्रीका होगा, जिसका हमने ट्रिक भी बना रखा है, तो आप चैनल की वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बाय आइडेंटिफाइंग द शेप ऑफ द पोटैटो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कॉजेटिव एजेंट फॉर दिस कंडीशन। आंसर हमारा हो सी होगा, वायरॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द न्यूक्लियोसाइड्स। आंसर हमारा बी होगा, 1 एंड 3rd ओनली मतलब कि एडिनोसिन और यूरिडीन। ओके, आदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन इज फास्ट नियर। आंसर बी होगा, द टिश्यू साइट। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम इज प्रेजेंट इन आरबीसी पैनक्रियाटिक सेल्स एंड फॉर इट्स एक्टिविटी द एंजाइम रिक्वायर्स Zn2+ एज कोफैक्टर। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सजेस्ट द रीजन फॉर द स्किन ऑफ ह्यूमंस टू नॉट परफॉर्म एज द रिस्पिरेटरी ऑर्गेन। आंसर होगा बी, ऑल एक्सेप्ट 4 यानी कि 1, 2, 3 होगा, इट इज ड्राई, इट इज नॉट थिक, इट इज नॉट परमेबल टू वाटर एंड गैसेज, और जो 4 होंगे वो हमारे नॉट परफॉर्म रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह रहा सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आंसर हमारा सी होगा, सेंट्रोजोम डिवीजन ड्यूरिंग एनाफेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स डिटरमाइन द करेक्टली डिस्क्राइब्ड सेलुलर पार्ट। आंसर ए, थायराकॉइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आंसर डी, A2 मतलब पीनियल जो होंगे वो मेलाटोनिन सीक्रेट करेंगे, B4 थायरॉइड टेट्राहाइड्रोथायरोक्सिन, C3 ओवरी एस्ट्रोजेन, D1 एड्रिनल मेडुला इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स वाटर एंड वाया पैसेज इट इज एक्सक्रीटेड। अरेंज दिस इन ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब्ड और सीक्रेटेड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आंसर सी, जेजुनम इलियम कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रिलेट्स द स्टेटमेंट गिवेन द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। आंसर डी, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट 14, आइडेंटिफाई द लेवलिंग 1 एंड 2 विथ सिग्निफिकेंस टू द जोन और लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। आंसर सी, फर्स्ट जो है बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द वन दैट रिलेट्स टू वन ऑफ द की कंसेप्ट्स ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन
द ब्रांचिंग डिसेंट, आंसर ए होमोलोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर लाइंड विथ क्यूबॉइडल इपिथिलियम विथ वेरी फ्यू माइक्रोविलाई, आंसर बी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डी सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एन एच आई वी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल विल शो अ नेगेटिव रिजल्ट फॉर एन एंटीबॉडी एंटीजन बेस्ड टेस्ट इफ द बॉडी हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज फॉर सच अ सिचुएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कूड बी यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एच आई वी, आंसर बी पी सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एच सी जी इज प्रोड्यूस्ड बाई, आंसर डी साइटियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द प्लासेंटा। क्वेश्चन नंबर 19, एल्बो नी फिंगर ज्वाइंट्स टो ज्वाइंट्स एंकल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, आंसर डी हिंग ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 20, बायो गैस इज अ कंपोजिशन ऑफ सर्टेन गैसेज, सेलेक्ट द वन दैट इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट, आंसर बी 30 to 40% CO इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज, आंसर ए मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर एम आर एन ए, आंसर बी अ नॉन इंटरप्टेड जीन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्प्लिट जीन, दिस इज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेटेलाइट डी एन ए हैज प्रूवन टू हैव अ ह्यूज एप्लीकेशन इन द, आंसर डी फॉरेंसिक साइंस। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग फॉर फ्रॉम बिडो, आंसर ए 1, 2 and 5 इज करेक्ट, 1 कैसिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, 2 लेडी फिंगर ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड 5 सिल्क कॉटन पिनेटली कंपाउंड लीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन दैट करेक्टली मैचेज बोथ कॉलम्स आइदर स्ट्रक्चरली फंक्शनली और बेस्ड ऑन लोकेशन, आंसर सी 1 का 2 होगा यानी कि फोबिया सेंट्रलिस का ब्लाइंड स्पॉट, 2 का 1 यानी पेरिलिम्फ का इनर ईयर, 3 का 4 मैंने विट्रस ह्यूमर का जिलेटिनस टिश्यू एंड 4th रिजिनस मेम्ब्रेन 3rd वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल करके रीड कर लेते हैं, यूज द बिलो पेयर ऑफ द नेम टू फिल द गैप्स इन द गिवन स्टेटमेंट, कॉर्नेल्स इलेजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कंपेटिटिवली सुपेरियर बैरनेकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड स्मॉलर बैरनेकल कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फोटो रिस्पायरेशन नॉट अकरिंग इन सी फॉर प्लांट, आंसर बी इंट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज हाई इन बंडल सीथ इज नॉट अकरिंग इन सी फॉर प्लांट, बाकी ए सी डी जो होंगे ओ टू इज नॉट रिलीज इन सी फॉर प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द इंट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज लो इन बंडल सीथ सेल एंड डी भी सही है, द इंट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू इज हाई इन बंडल सीथ एंड मेजोफिल सेल। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम सेलेक्ट दैट प्लांट व्हिच लीव्स शो दिस टाइप ऑफ हेट्रोफिली। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, आंसर हमारा होगा डी बटरकप। ओके, दिस इज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गेव इक्वल वेटेज टू, आंसर बी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दिस एक्सप्लेनेशन, और जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्योर टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ प्लांट पी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी कैपिटल आर इन F2 जनरेशन इज, आंसर ए 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिगर्स गिवेन बिलो, ओके ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे आंसर है 1, 3 और जो 4 है वो सही है। ठीक है, 1 का ए है यानी कि सोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जियोस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, ओके एंड देन 3 यानी कि 3 का सी सो बर्ड्स इन हाइड्रा, ओके एंड 4 डी सोज गेमूल्स इन स्पॉन्ज। ओके,
एनसीईआरटी का डायग्राम है सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, ऑर्गेनिजम्स का, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एमटीपी इज अ प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर एमटीपी। आंसर सी, एमटीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट द नेट अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। आंसर बी 8। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्मिक। आंसर सी 4। क्वेश्चन नंबर 35, सोमैटिक हाइब्रिड्स आर क्रिएटेड बाय। आंसर सी, फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन विच वन इज कनेक्टेड बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आंसर बी, इंटेगुमेंट विथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट। ओके, आंसर हमारा डी होगा, ओनली थर्ड इज करेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज सुगर्स आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम, दिस फेनोमेनन वाज शोन बाय। आंसर ए, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम गिवेन फ्रॉम बिलो दैट इज करेक्ट रिलेटेड टू देम। आंसर बी, विद इन एंजियोस्पर्म्स मोनोकोट एंड डाइकोट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच माइक्रोब हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक्स इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। आंसर सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सम स्ट्रक्चर्स विद दियर फंक्शंस आर गिवेन बिलो, मार्क द रॉन्गली मैच्ड वन। आंसर बी, न्यूमैटिक बोन्स स्केलेटल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। आंसर डी, मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ऑफ क्राइजोफाइट्स इन द सॉइल्स हेल्प इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ आयल्स एंड सीरप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कम्पिटेटिव इनहिबिशन। आंसर बी, दे कैनॉट बी यूज टू कंट्रोल बैक्टेरियल पैथोजेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिकुलर डायग्नोसिस इज करेक्ट। आंसर सी, पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड इज ऑल्सो यूज इन डिटेक्शन ऑफ म्यूटेटेड जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स थ्रू लिम्फ। आंसर ए, लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द वन दैट सपोर्ट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन टिश्यूज। आंसर बी, लो PO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अ टिपिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन अ ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली लास्ट फोर। आंसर ए, ओनली अबाउट एन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। आंसर डी, डेंसली पैक्ड स्टेन्स डार्क इज करेक्ट पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 50, द सेम पेप्टाइड हार्मोन विल शो वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सेल्स बिकॉज। आंसर बी, अ टारगेट सेल्स रिस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाई द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट लेवल्स ऑफ डायग्राम गिवन बिलो। आंसर इज ए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी टेम्परेट फॉरेस्ट, ई ग्रासलैंड। ये क्वेश्चन जो है पिछले टेस्ट में रिपीट कर चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आंसर सी, डार्विन एडवोकेटेड दैट वेरिएशंस आर ऑलवेज लार्ज बट हेरिटेबल चेंजेस। ये गलत है, बाकी ए बी डी सही है। द वर्क डन ऑन द इवनिंग प्राइमरोज बाय ह्यूगो डेविस लेड द फाउंडेशन ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आर नोन एज साल्टेशन एंड वेयर कंसिडर टू बी द मेन फैक्टर इन काउजिंग स्पेसिएशन। एंड डी, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53, डिटरमाइन द एक्टिविटी वेयर अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल
रिस्पॉन्स मॉडिफायर इज इन्वॉल्व्ड, आंसर डी बोथ ए एंड सी, मतलब कि एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड सी मेकिंग कैंसरस सेल डिटेक्टेबल बाय इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 54, बिलो फिगर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन, डिटरमाइन द रो दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेवल्स ए एंड बी विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा थर्ड होगा, सी का थर्ड, यानी कि ए जो है हमारा इनर मास सेल है, बी है ट्रोफोब्लास्ट, और फंक्शन ऑफ ए जो है हमारा वह डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, और जो बी है फंक्शन, बी का जो फंक्शन है यानी ट्रोफोब्लास्ट का, वह है गेट अटैच टू द एंड्रोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अ पर्सन इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड मस्कुलर पैरालिसिस ऑफ मसल्स पॉसिबली वाया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द पेशेंट मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, आंसर सी मिस्थेनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 56, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली, आंसर ए एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ दीज फ्रूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनेशियम, आंसर सी एग्रीगेट फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट फॉर कंडीशनड रिफ्लेक्स, आंसर वन एंड थ्री, मतलब अक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस और लर्निंग, और थर्ड है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट शो कोएवोल्यूशन, आंसर ए फिग ट्री एंड पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वैस्प। 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आंसर डी रूबिस्को क्रैंज एनाटोमी इज नॉट करेक्टली मैच, बाकी ए बी सी हमारे करेक्टली हैं, कैल्विन साइकिल इन बंडल शीथ सेल मेज, एच एस के पाथवे ओ ए ए, और फोटो डिस्पर्शन लेस प्रोडक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स जिब्रेलिन्स आर अप्लाइड, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स एक्सप्लॉयटेड इन दिस केस इज इट्स, आंसर बी एबिलिटी टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे रीड कर लेते हैं, फिल करके इन क्लियर मैडमनाश वोल्वस एंड स्पैरो गैरा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एन आइसोगेमस ऊ गेमस एंड आइसोगेमस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, आंसर सी फॉल या बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 64, सी डी आर आई इज क्रेडिटेड टू फॉर डेवलपिंग, आंसर ए सहेली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आंसर सी फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड टू पाइरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, आंसर बी इन फेलिसनेरिया द मेल फ्लावर्स ईच द सरफेस ऑफ द वाटर बाई अ लॉन्ग स्टॉक टू लिबरेट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी ए सी और डी सही है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाई इंसेक्ट और विंड, इन सी ग्रासेज फीमेल फ्लावर्स रिमेन समर्ज इन वाटर, और डी है फेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला ग्रो इन फ्रेश वाटर लाइक जोस्टेरा ग्रोज इन सी वाटर। 67, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एन इंडिविजुअल हु इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया जीन बट अपेरेंटली अनअफेक्टेड, और सेकेंड है एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विथ दिस डिजीज, ऐसा हमारा बी होगा एच बी ए एच बी एस कैरियर के लिए, और सेकेंड एच बी एस जो है अफेक्टेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, आंसर डी पोरो मेटाबोली। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट पोलन ग्रेन्स, आंसर विल बी बी फर्स्ट ट्रू है, यानी कि द वेजिटेटिव सेल हैज एबंडेंट फूड रिजर्व्स ट्रू, सेकेंड द वेजिटेटिव सेल हैज लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस ट्रू, थर्ड द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड इज फिक्स्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, फॉल्स, द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है तो रीड कर लेते हैं फिल करके,
In 1992, a biological diversity convention was held in Rio de Janeiro, also known as Be the Earth Summit. 71. R.H. Whitaker used certain criteria for making the five kingdom classification. From the following, how many are not a part of those criteria? Cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, polygenetic relationship, body organization, locomotion. Answer B, two. Okay, ये क्वेश्चन जो है नीट में भी आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. व्हिच ऑफ वन विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द शुगर इन्वॉल्व इन मेकिंग आरएनए. आंसर ए सी फाइव एच टेन ओ फाइव. ओके क्वेश्चन नंबर 73. व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर बीटी कॉटन. आंसर डी इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स. गलत है, बाकी ए बी सी सही है. इट इज अ जीएम प्लांट, इट शोज इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और सी है इट हैज बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन इन द इन इट सिस्टम. सही है. क्वेश्चन नंबर 74. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. आंसर सी इंक्लूजन बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 75. मैच द व्हिच पेयर द डिजीज एंड एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन. आंसर सी ए का थर्ड यानी कि एडिसन्स डिजीज का एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी का फोर मतलब कि टेटेनी का होगा पैराथायराइड, सी का वन यानी कि एक्रोमेगाली पिट्यूटरी, और डी का टू यानी कि मिक्सोडेमा थायरॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलेट टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम. आंसर सी स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए कैन बी रिमूव फ्रॉम अ जीनोम विद द हेल्प ऑफ. आंसर बी मॉलिक्यूलर सीजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेपलम कैन बी सीन. आंसर ए ब्रैसिका. क्वेश्चन नंबर 79. मैच द डिजीज कंडीशन विद दियर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आंसर हमारा बी है, वन का टू यानी हीमोफीलिया का होगा टू, डिलोड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, टू का वन मतलब डाउन सिंड्रोम, ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम सीरीज, थर्ड थ्री का थर्ड यानी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का होगा गैनकोमास्टिया, और फोर का फोर टर्नर सिंड्रोम का रूडिमेंट्री ओवरीज. नेक्स्ट 80. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व द कैलोज प्लग्स ऑफ पोलन टेट्राड्स. आंसर बी टैपेटम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द अकरेंस ऑफ डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कैन बी ऑब्जर्व्ड. आंसर ए एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. 82. There are certain sequences of DNA that are termed as mobile or jumping genes and are useful for as a vector. Such sequences are called as answer C, transposons. This is an important question. Next question number 83. The electronic appliances that are not in use will eventually form part of answer C, e-wastage. Question number 84. The map distance between gene A and B is 3 units. Between B and C is 10 units, and between C and A is 7 units. Which of the following shows the correct order of the genes in a linkage map on the above data? Answer D, C, A, B. Next, 85. Which of the following is not a vestigial organ? Answer A, presence of tail in a newborn human body, and B, CDR, vestigial wisdom teeth of human, appendix of human, hind limb bones and pelvic girdle in python and whale. Okay. Question number 86. Gamboschia fish is successfully utilized for answer C, gestile larval stage of vector of malaria responsible for transmitting the disease. Question number 87. The organs involved in the reproductive system can be grouped as primary and secondary. Which of the following is not a secondary sex organ? Answer C, only four means ovary. Okay. Question number 88. Venation relates to answer C, veins and venlets in a lamina. Question number 89. The zygosity of an organism for a particular phenotype can be identified by crossing it with answer B, small b. Question number 90. Match the column 1 and 2. Okay. एक question जो है repeat कर चुका है पिछले mock test में. First का third मतलब कि जीनोगमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट.
टू का सेकंड यानी कि ऑटोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा द सेम फ्लावर, और थर्ड का है फोर यानी कि क्रिस्टोगेमी का होगा फोर्थ यानी कि फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस विच डू नॉट ओपन एट ऑल, और फोर का वन मतलब कि जीटोनोगेमी होगा फर्स्ट यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। नेक्स्ट अब आते हैं केमिस्ट्री पे। क्वेश्चन नंबर वन, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, एक्स 290%, एक्स 199, 8%, एक्स 202, 2%। द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज क्लोजेस्ट टू, आंसर होगा डी 200 amu। क्वेश्चन नंबर टू, द पोजिशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम एटम इज नोन विद इन 1.0 nm, फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन 5.0 इंटू टू का माइनस 26 किलोग्राम पर सेकेंड। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम इज, आंसर डी 5 इंटू टू का माइनस 26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन इसका ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं थ्री पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, तो आंसर होगा डी सबसे कम, बी देन सी देन एन देन ओ इंक्रीजिंग फर्स्ट, आंसर गलत है, बाकी ए बी सी सही है। सबसे ज्यादा क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी सही है। बी है सबसे ज्यादा रुबिडियम देन पोटेशियम देन सोडियम देन लिथियम इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, एंड सी है यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन देन एन ए प्लस देन एन जी टू प्लस देन एल थ्री प्लस ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आंसर सी सेलुलोज। एक्सप्लेनेशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर रियल गैसेज वैन डर वाल्स इक्वेशन इज रिटन एज पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, वेयर ए एंड बी आर वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। टू स्टेट्स ऑफ गैसेज आर फर्स्ट ओ टू सी ओ टू एच टू एंड हीलियम, सेकेंड सी एच फोर ओ टू एंड एच टू। द गैसेज गिवेन इन सेट वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी एंड गैसेज गिवेन इन सेट टू इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए आर अरेंज्ड बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर हमारा सी होगा। एच टू लेस देन एच ई लेस देन ओ टू लेस देन सी ओ टू, और सेकेंड सी एच फोर इज ग्रेटर देन ओ टू इज ग्रेटर देन एच टू, दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, यहाँ पे कह रहा है सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू डेल्टा एच इक्वल टू एक्स, सी ओ प्लस हाफ ओ टू गिव्स सी ओ टू डेल्टा एच इक्वल टू वाई, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ इज, आंसर ए एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर सेवन, के एम एन ओ फोर कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम के टू एम एन ओ फोर एज पर द रिएक्शन, थ्री एम एन ओ फोर माइनस प्लस टू एच टू ओ गिव्स टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच माइनस, द रिएक्शन कैन गो टू कम्प्लीशन बाई रिमूविंग ओ एच माइनस आयंस बाई एडिंग, आंसर ये होगा सी ओ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, आंसर डी हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवेन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट होगा ए फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब हैवी वाटर यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, और सेकेंड हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर ए सी ए टू प्लस आयंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर एलेवन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर डी फेल्ड स्पार्स आर नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट्स, हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। बेराइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, एम जी टू एस आई ओ फोर इज ऑर्थो सिलिकेट, और सी है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन सिलिकेट्स इज द एस आई ओ फोर फोर माइनस टेट्राहेड्रॉन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच अमाउंट द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, आंसर ए थर्ड ओनली, और ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, अ डायल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन ए टू एस ओ फोर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड आर, आंसर ए ओ टू एच टू। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, आंसर बी कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन
बिलो 6 PPM इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश, नंबर गलत है, बाकी ए सी डी सही है। पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5। क्लीन वाटर वुड हैव BOD लेवल वैल्यू ऑफ लेस देन 5 PPM। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन आर द मोस्ट वाइडर स्प्रेड एयर पोलूटेंट, हमारा सही है। एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है AIEEE, JEE मेन और नीट दोनों में। क्वेश्चन नंबर 15, इफ NaCl इज डॉप्ड विथ 10⁻⁴ mol% ऑफ SrCl2, द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज विल बी Na इक्वल टू 6.022×10⁻³ पर मोल, ऐसा हमारा बी होगा 6.022×10⁻¹ पर मोल। यहाँ रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड सेल्स रिटेन दियर नॉर्मल शेप इन सोल्यूशन विच आर, आंसर बी आइसोटोनिक टू ब्लड। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो आंसर हमारा होगा सेकेंड एंड फोर, यानी कि सेकेंड कह रहा है EMF सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और फोर यहाँ पे है EMF ऑफ सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्वेश्चन नंबर 18, फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट इज द इनिशियल कंसिडरेशन, ए जो है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स माइसेलीज इन एक्वस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कंसेंट्रेशन, आंसर ए डोडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, आंसर होगा सी एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 21, विच वुड क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, आंसर ए अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलोल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर सी एक्टिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ऑक्सीडेटिव ऑजोनोलाइसिस गिव मेलोनिक एसिड एज एनी एज ओनली प्रोडक्ट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, CH3CH2Cl in the presence of NaCl gives X, NiH2Y, acetic anhydride Z in the above reaction sequence is, answer is A, CH3CH2CH2NHCOCH3. Question number 25, when 3,3-dimethyl-2-butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is, answer A, 2,3-dimethyl-2-butene. Next question number 26, एसिटोफेनॉन व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस C2H5ONa यील्ड्स अ स्टेबल कंपाउंड व्हिच हैज द स्ट्रक्चर, आंसर सी। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेंड इन दिस रिएक्शन, ओके आंसर हमारा होगा वुड बी सी, पैरा पर मिथाइल और ऑर्थो पे ब्रोमीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ फोर एल्डोजेज विथ कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर डी, डी इरिथ्रोज, डी थ्रियोज और एल इरिथ्रोज। ओके, दिस इज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक्रिलान इज अ हार्ड हॉर्नी एंड अ हाई मेल्टिंग मटेरियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस स्ट्रक्चर, आंसर ए दिस एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ ऑडोरीफेरस सब्सटेंस इज कॉल्ड, आंसर सी डीके। क्वेश्चन नंबर 31, द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन मीथेन मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज टू गिव 3 equivalent sp2 ऑर्बिटल, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथेन मॉलिक्यूल इज, आंसर सी 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर ए 0.1 mFeCl3। क्वेश्चन नंबर 33, इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर आयंस बाय
precipitating them as chloride salts. The solution initially contains Ag plus and Pb2 plus. At a concentration of 0.10 m, aqueous HCl is added to this solution until the Cl minus concentration is 0.10 m. What will be the concentration of Ag plus and Pb2 plus at B at equilibrium? केस भी यहाँ सब दिया हुआ, आंसर हमारा सी होगा और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एजेंट, आंसर बी और दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा, वन देन टू देन थ्री देन सबसे लिस्ट होगा फोर। ओके दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन, क्या होगा, आंसर बी होगा, ओके स्टैगर्ड। ओके क्वेश्चन नंबर 37, अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो, द ईएमएफ मेजर्ड इन इज प्लस 0.20 वोल्ट, द सेल रिएक्शन इज आंसर ए, ए प्लस बी प्लस गिव्स ए प्लस प्लस बी। ओके दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, Each of the following is true for white and red phosphorus except that they, answer A, are both soluble in CH2. 39, among the following which is not the pi bonded organic metallic compound, answer D, CH3O4SN. Question number 40, which chloro derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most radially with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivative, answer A, okay, trinitrochlorine, 246 trinitrochlorobenzene is highly activated. Next question number 41, increasing order of acid strength among paramethoxyphenol, paramethylphenol and paranitrophenol is, answer D, paramethoxyphenol, then paramethylphenol, then paranitrophenol. Question number 42, consider the following compounds. Okay, the correct decreasing order of their activity towards hydrolysis is answer C. Suppose as second, then four, then one, then third. This is our explanation. Next question number 43. During the process of digestion, the proteins present in food materials are hydrolyzed to amino acids. The two enzymes involved in the process protein with enzyme A, polypeptide, then enzyme B, amino acids, answer D, pepsin and trypsin. Okay. Question number 44. Sodium and copper have work function 2.3 electron volt and 4.6 electron volt respectively. Then the ratio of threshold wavelengths are respectively, answer A, 2:1. Question 45. The character structure of the drug paracetamol is, answer B. Okay. क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं ये 45 हो गए टोटल, आते हैं फिजिक्स क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, अ डीप नीडल लाइज इनिशियली इन द मैग्नेटिक मेरिडियन व्हेन इट शोज एन एंगल ऑफ डीप थीटा एट अ प्लेस, द डीप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल एक्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड देन इट शोज एन एंगल ऑफ डीप थीटा डैश देन टेन थीटा डैश बाय टेन थीटा इज, आंसर हमारा ये होगा, वन बाई कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, What is the current drawn from the battery of 6 volt? Answer C, 1.25 ampere. Okay. Next question number 3. If an ideal battery of EMF 10 volt is connected with external resistance 9 ohm and a wire of length 10 meter and resistance 1 ohm is in series as shown in the figure, then calculate potential gradient for potentiometer wire. Answer B, 0.1 volt per meter. And this is explanation. Question number 4, a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The directions of induced currents in wires AB and CD are, answer will be D, B to A and D to C. This is our explanation. Next question number 5, P and Q are two circular thin coils of same radius and subjected to the same rate of change of flux. If coil P is made up of copper and Q is made up of iron, then the wrong statement is, answer hamara jo hoga D hoga, the induced currents are the same in both coils, and this is our explanation. Question number 6,
थ्री चार्जेज क्यू जीरो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल एज इन द फिगर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू। आंसर हमारा बी होगा क्यू बाई अंडर रूट एट। दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 मिलीमीटर। दिस कैपेसिटर हैविंग एयर एज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट। यूजिंग अ बैटरी द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर एंड डायरेक्ट कॉन्स्टेंट के इक्वल टू 10 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स एज सोन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर द इलेक्ट्रिक डायरेक्ट स्लैब हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज। ओके आंसर हमारा होगा सी 11.5 वोल्ट एंड दिस इज अब एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी द नेट द फोर्स ऑन इट्स नॉन जीरो द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो दिस इम्प्लाइज दैट। आंसर होगा डी एंगल बिटवीन वी एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू अदर दैन 0 and 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नाइन। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। आंसर बी होगा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर टेन। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन टेम्परेचर इक्वल टू 6050 केल्विन हैज अ मैक्सिमम एट 4753 एंगस्ट्रॉम। द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार फॉर विच इट्स दिस मैक्सिमम इज एट 9506 एंगस्ट्रॉम इज। आंसर बी 3025 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। आंसर बी इन प्रोसेस ए बी हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12. इफ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट इट मींस। आंसर सी नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13. एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज प्रोसेस पी वी टू द पावर 1.25 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन आंसर डी हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. टू स्फीयर्स आर मेड ऑफ सेम मेटल एंड हैव सेम मास वन इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो व्हेन हीटेड टू द सेम टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द परसेंटेज इंक्रीज इन दियर डायमीटर्स। आंसर सी इट विल बी सेम फॉर बोथ स्पेयर्स एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15. इफ टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विल। आंसर होगा बी डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 मीटर हैज अ मास ऑफ 0.035 kg। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60.5 न्यूटन देन स्पीड ऑफ अ वेव ऑन द स्ट्रिंग इज आंसर सी 110 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द पार्टिकल ट्रेवल्स विथ। आंसर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 18. द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड विद द सेम स्पीड ऑफ एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आंसर सी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19. अ 60 kg बोर्ड इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर 0.5 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज आंसर डी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. अ मेटल बॉल हिट्स अ वॉल and does not rebound whereas a rubber ball of the same mass on hitting the wall rebounds with the same speed. It can be concluded that answer B rubber ball suffers greater change in momentum. 21. Two spherical bodies of masses m and 6m and radii 4 and 2 are respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 10 r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by smaller sphere just before collisions will be answer A 6 r.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अ सॉलिड क्यूब ऑफ द एज ए इज ए मोल्टेन एंड मोल्डेड इनटू एट आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड क्यूब्स एंड आर प्लेस्ड ऑन वन अदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द एज ऑफ द बॉटम क्यूब ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन व्हिच बिग क्यूब वाज प्लेस्ड देन द वर्टिकल शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास इज आंसर ए 3a/2 एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 23। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री इट एक्सपैंड एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास इफ वन फ्रेगमेंट रिट्रेसेस द पाथ देन द स्पीड ऑफ द अदर फ्रेगमेंट इज आंसर डी 3v0। नेक्स्ट 3v0/2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर देख लेते एक्सप्लेनेशन दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन ओके। क्वेश्चन नंबर 24। शोन हियर आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन विच केस इज द ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन एंड टर्निंग टू द राइट आंसर बी ओके एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 25। अ कॉमेट ऑफ मास 10 टू पावर 8 केजी ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन इट इज 2.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर अवे एंड इट्स स्पीड इज 2 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज Hardest from the sun and is 5 into 10 to the power 10 meter away from the sun. Answer will be B 48.48 into 10 to the power 8 joule. Okay, and this is our explanation. Next question number 26. A planet revolves in elliptical orbit around the sun. The linear speed of the planet will be maximum at answer hoga A hoga A point A ke pass. This is our explanation. Question number 427. Two identical simple pendulums A and B are fixed at the same point. They are placed at very small angle alpha and beta. Beta is greater than alpha respectively and released from rest. If collisions are elastic and length of strings is L, then find the time after which B reaches its initial position from the first time. Answer will be B 2 pi under root L by G and this is our explanation. Question number 28. The equation of simple harmonic motion of particle is a plus 4 pi square x is equal to 0. When a is instantaneous linear acceleration at displacement x, the frequency of motion is answer a 1 hertz and this is our explanation. Question number 29. A wooden object floats in water kept in a beaker. The object is near a side of the beaker. Let P1, P2, P3 be the pressure at the point. 3 points A, B, C of the bottom as shown in the figure. Answer number A over P1 is equal to P2 equal to P3. Okay. Next question number 30. In the bottom of vessel with mercury of density rho, there is a round hole of radius R. At what maximum height of the mercury layer will the liquid still not flow out through this hole? Surface tension equal to T. Yahan C hai, jo hai answer hoga. 2t by r rho g and this is our explanation. Question 31. The moment of inertia of a solid sphere of radius capital R about its diameter is same as that of disk of radius 2r about its diameter. The ratio of their masses is answer a 5:2 and this is our explanation. Question number 32. A man weighing 80 kilogram is standing in a trolley weighing 320 kg. The trolley is resting on frictionless horizontal rails. If the man starts walking on the trolley with a speed of 1 meter per second, then after 4 seconds, his displacement relative to the ground will be answer C 3.2 meter, and this is our explanation. Question 33. In Rutherford experiment, alpha particles are scattered by nucleus having charge 100 electron, initial kinetic energy of alpha particle of 6 megajoule volt. The size of the nucleus is answer B 310 to the power minus 14 meter. And this is our explanation. Next question number 34. The shortest wavelength of the bracket series of hydrogen like atom, atomic number equal to Z, is the same as the shortest wavelength of Palmer series of hydrogen atom. The value of Z is answer A 2. Next question number 35. Half lives of two radioactive substances A and B are respectively 20 minutes. And 40 minutes. Initially, the samples of A and B have equal number of nuclei. After 80 minutes, the ratio of the remaining nuclei of A and B each. Answer C 1:4. Question number 36. Light of wavelength 400 nanometer is incident continuously on a cesium ball. Work function 1.9 electron volt.
द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच द बॉल विल बी चार्ज इज आंसर बी 1.2 वोल्ट एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 V0, देन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ स्पीड 3 लेमडा द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटालिक सर्फेस इज आंसर ए Hc/6 लेमडा एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी टू द होल बार इज इक्विवेलेंट टू आंसर बी ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी एंड दिस इज आर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन बिलो प्रोड्यूसेस आंसर डी नैंड गेट। ओके क्वेश्चन नंबर 40, टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आंसर ए इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस्ड। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यहाँ पे, अ ट्रांजिस्टर हैविंग करंट एम्पलीफिकेशन बीटा इक्वल टू 80 एंड हैज अ चेंज इन बेस करंट ऑफ 250 माइक्रो एम्पियर देन द चेंज इन कलेक्टर करंट इज आंसर हमारा डी होगा 20 mA और ये रहा एक्सप्लेनेशन। 42, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज 46 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा आंसर ए 1.6। क्वेश्चन 43, अ थिन प्रिज्म हैज डिफरेंट मीडियम ऑन इट्स आइदर साइड अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फेस व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इफ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल आंसर विल बी ए। ओके एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 44, इन अ फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एट अ सिंगल स्लिट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर द फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्मड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द डायरेक्शन ऑफ थीटा ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज आंसर सी सैन इनवर्स 3/4 एंड दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आंसर सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन। ओके ये थे सारे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का क्विक रिवीजन वीडियो। सारे पीडीएफ अवेलेबल है हमारे एनटीए मॉक टेस्ट के, आप डिस्क्रिप्शन में देखकर ले सकते हैं सारे पीडीएफ। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।